नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करें जैसे सिर्फ इंडोर में, इससे पहले क्या बतलाया हुआ है कि स्प्लिट एसी में आपको जब प्रेशर डालते हैं, लीकेज पता करने के लिए प्रेशर डालते हैं। अब लीकेज इंडोर में है या फिर आउटडोर में, ये पता करने के लिए कन्फर्म पहले बतलाए हुए हैं। अब सिर्फ जब इंडोर में, यानी कि ओनली इंडोर में जब प्रेशर डालना रहे, तब कैसे प्रेशर डालिएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए सिर्फ इंडोर में जब प्रेशर डालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंडोर को पहले बाहर निकालते हैं और सिर्फ इंडोर में प्रेशर डालते हैं। तो सिर्फ इंडोर में कैसे प्रेशर डालना है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर यानी बारीक कंप्रेसर एक ले लेंगे, दूसरा एक मेरा मैनिफोल्ड आना चाहिए, क्लियर ना? चलिए मैनिफोल्ड भी ले लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ करना है, इंडोर में प्रेशर डालना। इंडोर में किस तरीके से प्रेशर डालेंगे ये चीज़ समझिए। जैसे ये भी कंप्रेसर लिए हैं, तो कंप्रेसर में यहाँ पर क्या रहता है, तीन पाइप, एक सेक्शन डिस्चार्ज, एक मेरा चार्जिंग पाइप। तो यहाँ पर देखेंगे तीन पाइप, जैसे यहाँ पर दो पाइप दिख रहा है, दोनों हम सर्विस वाल्व लगाए हुए हैं। तीसरा पाइप इधर से हम ब्लॉक किए हुए, रबर लगा करके बिल्कुल बंद किए हुए, है कि नहीं? चार्जिंग पाइप को अब इधर दो पाइप रह गया, डिस्चार्ज पाइप से क्या होगा, बाहर भेजेगा, सेक्शन लाइन से खींचेगा, यहाँ पर आता है। इसके पहले इसके अंदर में बहुत कचरा था, इसके अंदर में मेरा गैस भरा हुआ है कि नहीं, इसके अंदर कुछ भी गैस भरा हुआ नहीं रहता, बाहरी गैस, बाहरी गैस कौन सा रहता है, ऑक्सीजन रहता है कि नहीं? ऑक्सीजन खींचेगा, वही ऑक्सीजन ही छोड़ेगा, क्लियर ना? इसके अंदर कोई भी गैस भरा हुआ नहीं, समझ में आ गया? अब रह गया मैनिफोल्ड कैसे कनेक्ट करना, यानी कि इससे क्या है, बाहरी हवा खींच करके उसके अंदर में भरना, कैसे एक बैलून फुलाते हैं, सेम तरीका रहेगा। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मैनिफोल्ड का होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैनिफोल्ड को उसमें लगाएंगे। तो हम लोग क्या करें, प्रेशर गेज मीटर की सहायता से प्रेशर डालेंगे। तो प्रेशर गेज मीटर की सहायता से जब प्रेशर डालेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, मेन सिस्टम मेरा वो रहा और बाहरी सिस्टम ये रहा, जिसके जरिए प्रेशर डालना। तो पहले क्या मैंने मेन मीटर के सामने वाला पाइप कहाँ लगाएंगे, मेन सिस्टम में। तो मेन सिस्टम में लगाइए, चलिए हाँ वहाँ लगा लीजिए, हाँ उसको वहाँ पर, हाँ डिस्चार्ज पाइप में लगाएंगे, क्लियर ना? जी सर। यहाँ पे डिस्चार्ज पाइप में लगाएंगे, रेड वाला, हाँ मैंने जो मीटर के पाइप के सामने वाला इसको लगा लिए। ये मेरा खुला हुआ रहेगा, बंद रहेगा, खुला हुआ रहेगा, चलिए इसको खोल दीजिए, पहले खोलिए उसको, हाँ पीछे करिए हल्का सा, चलिए ठीक है, क्लियर, खुल गया वो मेरा, और ब्लू वाला मेरा बंद रहेगा, ठीक ना? अब इसका मेन जो कॉमन चार्जिंग पाइप है, कॉमन चार्जिंग पाइप क्या करेंगे, इसके डिस्चार्ज में लगाएंगे या सेक्शन में लगाएंगे, डिस्चार्ज में लगाएंगे, तब तक प्रेशर जाएगा ना उसके अंदर। चलिए लगाइए डिस्चार्ज पाइप में, पतला वाला, हाँ यहाँ पर देख रहा होंगे, ये मेरा पतला पाइप है और ये मेरा मोटा पाइप है, तो मोटा मेरा सेक्शन पाइप, पतला वाला मेरा डिस्चार्ज पाइप, क्लियर ना? चलिए ना, अब समझिए, यहाँ पर लगा दिया, इसको जब चालू करेंगे तो यहाँ से प्रेशर निकलेगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इधर वाला बंद किया इधर तो आएगा नहीं प्रेशर, यहाँ जब चालू करेंगे सेक्शन खींचेगा, प्रेशर खींच कर कहाँ चला जाएगा मेरा मीटर में, तो मीटर ये वाला खुला हुआ तो यहाँ से इधर नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर से मेरा मेन मीटर में भी आ जाएगा और इधर से मेरा मेन सिस्टम में भी चला जाएगा। ये मेरा खुला हुआ रहेगा, ये मेरा बंद रहेगा। अब रहेगा इधर से प्रेशर डालेंगे, इधर से तो निकल जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डेड नट लगाते हैं, डेड नट आप फ्लैट नट बना के बना लगा सकते हैं, या फिर कॉपर पाइप, कॉपर का डेड नट लगा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का भी लगा सकते हैं, अगर मजबूत है तब उसको लगाइए डेड नट। यहाँ पर प्लास्टिक का डेड नट हम लोग रखे हुए सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन क्या करेंगे वहाँ पे बंद कर देंगे। चलिए उसको लगाइए बराबर, चलिए लग गया पूरा, चलिए क्लियर, कसा गया वो, हाँ उसको पूरा कस देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे, यहाँ पर देखना है प्रेशर जा रहा है नहीं जा रहा। चलिए इसका पहले से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पाइप को हल्का खोल लेते हैं, है ना, इसको पहले फ्लशिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं कि इसके अंदर का चले जाए। हाँ तो चलिए यहाँ पर स्विच को हम ऑन कर देंगे, चालू हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सेक्शन लाइन खींचता और डिस्चार्ज से बेचता कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए, अरे यहाँ तो नहीं, क्लियर ना? यहाँ से निकल रहा और यहाँ पर जब हाथ नहीं देखे खींचेगा यहाँ पे, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ से खींचा ना, अब आज जैसे आपको आ गया होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से निकल रहा और यहाँ से खींच रहा सेक्शन लाइन। फिर आपको डिस्चार्ज पाइप में लगाइए, इसको अच्छे से लगा दीजिए, हाँ ठीक है लगाइए, सबको समझ में आ रहा है पूरा, चलिए ठीक है। हाँ अब मीटर यहाँ पर देखेंगे जीरो से ऊपर उठना, इसको थोड़ा बाहर लगाओ, बाहर भी लाइएगा नहीं, अच्छे से अच्छे से, ठीक है, यहाँ मीटर जीरो से ऊपर उठना चालू हो गया। कितना प्रेशर डालना, मैक्सिमम 250 से 300, बहुत हो गया। आप स्प्लिट एसी में इंडोर में डालिए चाहे आउटडोर में डालिए, 250 से 300 डालना। अगर कभी आउटडोर की बात चले, इंडोर के लिए तो 250 से 300 बहुत ज़्यादा हो गया, कभी अगर आउटडोर की बात चले तो यहाँ पर देखिए गैस के ऊपर निर्भर करेगा। माने किसी में आपको आउटडोर में 410 गैस भरा हुआ, एसी में 410 गैस भरा हुआ, उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, साढ़े 400 से 500। तो मैक्सिमम लोग 450 प्रेशर तो डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब गैस भरा हुआ रहता है तो 450 प्रेशर पहले भी कंट्रोल कर रहा,
नो डाल भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होने वाला। हमारा इंडियन में उतना पैसा नहीं डालना, ऐसे कोई 250-300 PSI माइनर से माइनर लीकेज मालूम पड़ जाएगा। आपको माइनर से माइनर लीकेज पता करने के लिए इस तरीके से प्रेशर डलवा रहे हैं, ताकि इस तरीके से जब प्रेशर डालेंगे लीकेज नहीं मिल रहा है पूरा इंडोर को क्या करेंगे, कूलिंग कॉल को बाहर निकालेंगे और पूरा का पानी में डुबा देंगे, तब तो मालूम पड़ेगा कि नहीं चलेगा। तब तो माइनर से माइनर लीकेज मालूम पड़ जाएगा, जहाँ से लीकेज रहेगा वहाँ पे ब्रिजिंग कर देना। क्लियर ना? ये हो गया प्रेशर डालने के लिए, प्रेशर डालेंगे और सब जगह लीकेज पता कर लेंगे, लीकेज जहाँ से मिले यानी कि उसको पानी डुबाएंगे तो माइनर से माइनर लीकेज हमको मिल जाएगा। अब रह गया फ्लशिंग करने के लिए, है कि नहीं? फ्लशिंग करने के लिए अगला वीडियो में आपको बतलाया जाएगा।